तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को दो मिनट ही सही, एक मिनट ही सही, लेकिन उनको अवसर देते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो हमने एक बार नहीं दो तीन बार मैंने हाथ उठाया, और ऐसा ही उठा करके मैं नीचे भी नहीं किया, मैंने काफ़ी देर तक रखा ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में आवे। लेकिन इसके बाद भी आप सब ने देखा हमें बोलने का अवसर नहीं दिया। विधानसभा नेता और प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कई लोगों से उन्होंने बुलवाया भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर एकदम किसी से नहीं बुलवाते तब भी आप समझते कि साहब किसी से उन्होंने बुलवाया ही नहीं, आप उससे दुर्भावना कैसे कह सकते हो। लेकिन जब औरों से जब बुलवाना और बाबूलाल मारंडी से नहीं बुलवाना, ये क्या दर्शाता है? और ये घटना पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन आज मैं मन से अंदर से काफ़ी दुखी हूँ, पीड़ित हूँ कि भाई एक वो हमें पार्टी के नहीं मानते, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जनता ने हमें चुना है और हम एक विधायक हैं, और विधायक के नाते राज्य में अगर कोई भी ऐसे बड़े कानून बनते हैं या सरकार बनाती है तो हम एक सुझाव देने के हम हकदार हैं। जनता ने हमें इसीलिए चुन करके विधानसभा भेजा है, लेकिन झारखंड की जनता के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा, और जिस पर मैंने दो तीन बार हाथ हमने उठाया, आप सब लोग क्लिप उसको देख लेंगे, और इसके बाद भी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो करके विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है, और इसका मैं पहले तो विरोध और प्रोटेस्ट मैं दर्ज करता हूं आप सब लोगों के समक्ष। दूसरा जो मैं कहूंगा कि आज जिसकी हम लोगों ने कहा कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को बोलने का मौका दिया जाए, मैंने सदन के माध्यम से भी कहा कि चार सालों तक आपने एक ऐसे नेता को बोलने का मौका नहीं दिया जो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री है और जो राज धनवार जैसे विधानसभा में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने चार साल नहीं बोलने दिया, नेता सदन के रूप में आपने मान्यता नहीं दी, उनके सदस्यता उनका आज किधर है इसको लेकर के आपने केस चला। अब तो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई है जब नेता सदन नेता प्रतिपक्ष मिल गया है और वो एक सदस्य के रूप में जब सदन के अंदर उपस्थित हैं तो एक सदन का राइट को भी आप यदि नहीं इस्तेमाल करने दीजिएगा। ये सिर्फ बाबूलाल जी का कहना नहीं है, ये बाबूलाल जी के माध्यम से राज धनवार में जो 3.5 लाख जो जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, प्रतिनिधि के रूप में चुना है, ये उसका भी अपमान है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, विशेष करके राज्य सरकार, ये तो सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं, ये राज्य सरकार बाबूलाल मरांडी जी के आवाज़ से इतनी डरती है, उनकी बातों से इतनी खौफ खाती है कि वो नहीं चाहती है कि उनकी आवाज़ इस सदन के माध्यम से, जो झारखंड की जनता का रिप्रेजेंटेशन करने वाला शब्द होता है, जो विचार होता है, उससे इस सदन को और इस झारखंड की जनता को वंचित रखना चाहती है, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं दिया। उनके लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं कौन बोल रहे हैं, कितना समय अलाउट करना है, क्या करना है, वो तो स्थिति आती है जो सिंगल सदस्य हैं वो तो कहीं हमको भी बोलने के लिए नहीं दिया गया शुरुआत में, तो एक अलग मसला है के अंदर बोलने की एक तरीके से इजाजत नहीं दी जाती है JBM का, और देखिए प्रदीप यादव उनको बोलने दिया जाता है। देखिए मैं उस विषय पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि JBM पे और प्रदीप यादव पे और बाबूलाल जी पे, लेकिन जहाँ तक बाबूलाल जी की बात रही, वो सीनियर विधायक हैं, पूर्व में CM रह चुके हैं, तो अगर किसी बात को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठते हैं या फिर किसी विषय को लेकर उठते हैं तो एक सीनियर लीडर होने के नाते निश्चित रूप से बोलने देना चाहिए उनको। अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति किया जा रहा है, ये गलत विषय है, सदन के लिए अच्छी परंपरा नहीं है।